भारत और पाकिस्तान के बीच जब जब क्रिकेट का कोई मैच होता है तब तब क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कने बढ़ जाती हैं। लेकिन अब क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कने भारत और पाकिस्तान के मैच की वजह से नहीं बल्कि बारिश की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि बारिश बार बार भारत और पाकिस्तान के मैच में खलल डालने का काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज और मैं हूँ आपका दोस्त राजेश। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल दो मुकाबले खेले गए और यह दोनों मुकाबले बारिश की भेंट चल गए हैं। एक मुकाबले कोई परिणाम ही नहीं आ पाया, जिसमें दोनों टीमों को एक एक पॉइंट देकर के बराबरी पर छोड़ दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच कल भी एक मुकाबला खेला गया, जिसमें 24.1 गेंद पर 147 रन बना करके भारतीय टीम दो बल्लेबाजों को खो चुकी थी कि इसी बीच बारिश महाराज प्रकट हो गए और बारिश ने खेल को रोक दिया। बारिश के शुरू होने से पहले रोहित शर्मा और शुभमन गिल की शानदार धमाकेदार और आक्रामक पारी ने पाकिस्तान की टीम की पूरी बिसात जो बिछी थी उसे ही नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया था। भारत पाकिस्तान को बहुत कायदे से पीट रहा था, इसी बीच बारिश ने आकर के पाकिस्तान को एक बार फिर बचा लिया। केएल राहुल और विराट कोहली अभी भी क्रीज पर जमे हुए थे। विराट कोहली हवा में धीरे धीरे आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तभी बारिश आ गई। अब मुकाबला आज फिर खेला जाना है और मुकाबला वहीं से शुरू होगा जहां से कल मैच को रोका गया था, यानी 24.1 गेंद के आगे से मुकाबले की शुरुआत आज फिर होगी। हालांकि श्रीलंका में आज भी बारिश की संभावनाएं बताई जा रही हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या वाकई में आज मुकाबला हो पाएगा या नहीं, या एक बार फिर यह मैच बारिश की वजह से सस्पेंड कर दिया जाएगा और दोनों टीमों को बराबर बराबर अंक दे पाए। हैरत की बात यह नहीं है कि श्रीलंका में बारिश की वजह से बार बार खेल रुक रहा है, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि जब श्रीलंका में बारिश का मौसम चल रहा था तो क्रिकेट के जिम्मेदारों ने श्रीलंका में एशिया कप का आयोजन किया ही क्यों, और जब एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में कर दिया तो उसके बाद तो ये हालत होनी थी। जब चाय पकौड़ी का मौसम था तब उन्होंने वहाँ पर क्रिकेट का आयोजन करा दिया। अब क्रिकेट फैंस भारत और पाकिस्तान जैसे हाई प्रोफाइल मुकाबलों का मजा भी बारिश की वजह से नहीं ले पा रहे, दूसरी तरफ बेचारे क्रिकेट फैंस चाय पकौड़ी के नाश्ते से भी वंचित हो रहे हैं। अब भगवान ही जाने कि आज के मैच में क्या होगा। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आज वाकई में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला पूरा हो पाएगा, और क्या आज अगर मुकाबला होता है तो भारतीय टीम पाकिस्तान को शिकस्त दे पाएगी, या आज पाकिस्तान भारत को रौंद कर अपने मंसूबे कामयाब करने में सफल साबित हो जाएगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं।